अमेरिका का यूनिवर्सिटी सिस्टम लगता है अपने को बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार। जिस भी शहर में होता हूँ मैं सबसे पहले पूछता हूँ यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसका क्या कैंपस वैम्पस देखना मेरे को बहुत जमता है, क्योंकि माहौल इतना ज़बरदस्त रहता है। तो अब ये है UCLA, इसका मेन चौक है, यहाँ पे स्टूडेंट अभी बस अभी तैयारी हो रही है, चालू हो रहा है, और यहाँ पे करीब 40-45-50 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो अगर इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं तो 20-30 हज़ार उनके प्रोफेसर और उनका सपोर्ट स्टाफ, तो मतलब मैं अंदाज लगा रहा हूँ 60-70 हज़ार लोग यहाँ पे, पूरा मतलब समझ लो कि एक शहर ही हो गया। और ऐसा सुंदर शहर था, ऐसा सुंदर शहर, अब हर यूनिवर्सिटी का अपना लोगो। तो अब यूसी इसका है भालू, अब ये ब्रुइन बोलते हैं, UCLA ब्रुइन, तो ब्रुइन प्रजाति का कोई भालू होता होगा। तो और इनके फिर होते हैं इनके कलर ब्लू और गोल्ड, तो अभी आप जहाँ से देख रहे हो देखो आपको ब्लू गोल्ड वो बैनर दिखा, गो ब्रुइंस लिखा हुआ सब दूर। तो पूरा माहौल पूरा एकदम ब्रांडिंग और उसका है, सब बच्चे यहाँ पे UCLA ब्रुइंस की नीली और गोल्डन कलर की चीज़ें पहने हुए हैं। और अभी ये पहला हफ्ता है जब बच्चों को छोड़ने आए, अब देखो इतने बड़े अक्षर में UCLA लिखा है, UCLA का बुक स्टोर, वो है उनकी यूनियन। और तो ये मेन सेंटर एरिया है जहाँ पे सब बच्चे जहाँ से सेंटर होके, कहीं स्टेडियम है उधर, बास्केटबॉल स्टेडियम अलग, फुटबॉल स्टेडियम अलग, बेसबॉल स्टेडियम अलग, स्विमिंग पूल अलग, फिर सब अलग अलग लेवल का। UCLA अमेरिका की नंबर वन पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मतलब जो बोलते हैं ना सार्वजनिक संस्था, तो यहाँ की फीस कम रहती है, फीस यूँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैलिफोर्निया के आप अगर रेसिडेंट हो तो $17,000 पर साल की, 17 उसके आसपास उसकी पढ़ाई की है, और 17-18 हज़ार उसके रहने और खाने की, अगर आपको रहना हो खाना। अगर मैं जब इंटरनेशनल स्टूडेंट था तो इंटरनेशनल स्टूडेंट तो यहाँ पे रहते नहीं, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है। यूँ अपन बाहर के अपार्टमेंट ले लो, उसमें एक कमरे में भी 3-4-5 जने रहो, जो जो आपका, मैं तो लुइजियाना गया था, वो सस्ती जगह थी, वो 30 साल पहले, लेकिन वो रहता है कि यहाँ के जैसे हमारे बच्चे अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो अभी हॉस्टल में रहते हैं, फिर यहीं का खाना वाना खाते हैं। और अपने को तो जब मैं नया नया आया था, बिना जीरावन के, बिना मिर्ची के, बिना अपना, वो तो भारतीय खाना चाहिए, सांभर वाम्बर और दाल मसाला गरम मसाला, वो तो बनता नहीं है। तो अब ये हमारे बच्चों की दृष्टि से देख रहे हैं अभी कि उनकी लाइफ किस तरह की हो रही है। उस समय जब था तो ये जो बच्चे जैसे घूम रहा, कोई कार से आ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बैग पे, अपन तो बहुत साधारण उसमें रहते थे, पैसे बचा बचा के इंडिया से ही अपन कॉपी पेन लेके आए थे और हर चीज़ इंडिया से लेके आए थे, बैग ख़रीदा था $7 का, उसमें ही ऐसे कष्ट होगा 30 साल पहले, 7 और 16 रुपये का, 16 रुपये का डॉलर था। तो एक बार एक पेंसिल में भूल गया था और नोट सीखने के लिए नहीं, तो मेरे को 50 सेंट में एक पेंसिल ख़रीदना पड़ी थी, 8 रुपये की पेंसिल, जो कि खजूरी बाज़ार में 50 पैसे की मिलती होगी, वो कैमलिन की तो और महंगी मिल जाती है, कैमलिन की बड़े महंगी मिलती है, उससे सस्ती वाली भी मिल जाती थी। तो अब ये है उस दौड़ से निकले हुए, फिर यहाँ पर अमेरिका में लाइफ मिलाई, हमारे बच्चों की अलग लाइफ चल रही है। हाँ, यहाँ पे कैफेटेरिया में जाते हैं, उनका कार्ड रहता है, स्वाइप करते हैं और खाना तनतनाट, कोई हमको तो ऐसा भूख लगी तो भागते थे हम कि बस पकड़ो, बस से जो ऑफ कैंपस हाउसिंग है वहाँ पे जाओ, फिर वहाँ पे कुकिंग करो, फिर 2 घंटे आपको भूख लगी उसके 2 घंटे बाद खाने को मिलता था। यहाँ पे भूख लगी, गए अच्छा ये कैफेटेरिया, स्वाइप करा, खाना खाने बैठ गए। खैर वो तो मेरी और उनकी लाइफ है, मेरा मेन मकसद था कि यहाँ का दृश्य दिखा दूँ। फिर यहाँ पे आता रहूँगा, 4 साल पड़ेगी बेटी, तो फिर यहाँ पे अलग अलग तरह की बातें करेंगे। चलो भैया आओ।